What actually can treat all your diseases? Your body can treat all your diseases. The body has the strength and mechanism to come out of every disease. To give you a perspective, 100 years back, we didn't have this many number of diseases. There was no diabetes. There was no heart disease. No cancer, or even if it was there almost like negligible. And na 100 saal pehle koi bimari nahi hoti thi ye sab, autoimmune disorder, thyroid issue. If you just remember your grandfather, grandmother, apne dada dadi, nana nani ko yaad kare, to bhi aapko pata chalega they were much better off. Wo humse zyada kahin better the. So do you think the situation would not create disease at that time, say 500 years back? क्या situation ऐसी थी कि वो disease नहीं होते थे? नहीं, वो उसमें भी हो सकते थे. But the recovery strength of the human body was strong. मानव शरीर का जो recover करने का strength था ना, वो ज़्यादा strong था. अभी हमने क्या किया? इसके अंदर उलझुल चीज़ डालने लग गए ना, medicine डालने लग गए. अब इसके रिकवरी स्ट्रेंथ को ही नाश कर दिया. तो दवाई आप बचपन से खाते हैं ना, जब पैदा होते हैं तो फिर यू नो अ किड गोज थ्रू हाउ मेनी नंबर ऑफ इम्यूनाइजेशन, कितने इम्यूनाइजेशन होते हैं, है ना? उसके बाद आपने कितनी, अरे पड़ोसी का लड़का ड्रग एडिक्ट नहीं है, आप ड्रग एडिक्ट हैं, जरा देखिए घर में कितनी दवाइयां पड़ी. तो हम ड्रग एडिक्ट बन गए, हमने शरीर का नुकसान कर दिया, भोजन चेंज कर दिया, द फूड we have made it into genetically modified, hybrid and inorganic, है ना? भोजन को खराब कर दिया, वातावरण खराब कर दिया, तो हमारा recovery factor जो है ना वो weak हो, बीमारी से ठीक होने की क्षमता जो थी शरीर की वो weak हो गई. तो अगर आपको बीमारी से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? दवाई ने बीमारी create किया, दवाई से तो ठीक नहीं हो, भोजन ने create किया बीमारी, भोजन से तो ठीक नहीं. अच्छा करेंगे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा. बॉडी से कितना एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी वीक हो गया, एक्सरसाइज करेंगे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि हार्ट कमजोर है, लिवर कमजोर है, किडनी कमजोर है. तो रिकवरी फैक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कुंभक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, पहली बात तो ये, क्योंकि ये आपके शरीर का ही मैकेनिज्म है. तो ये रिकवरी फैक्टर है क्या? हाँ, ये रिकवरी फैक्टर है क्या? अगर आप इसको समझ जाएंगे देन यू कैन थिंक ऑफ रिवर्सिंग एवरी काइंड ऑफ डिजीज. What is the recovery factor of this body? शरीर का recovery factor क्या है? तो आपको तीन example देता हूं, तीन example देता हूं, strength, balance, rhythm. तीन चीज बता रहा हूं मैं, हाँ, strength, balance, rhythm. क्या है ये? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, ताकत शरीर की, है ना, किसी चीज कोई काम करने की, अपने आप को बैलेंस रखने की ताकत, और लय की ताकत, यानी कि इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, लय में इस्तेमाल करने की ताकत. दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, इसे कहते हैं ताल, राग, भाव, या फिर भाव, राग, ताल, भारत. आपको कुंजी दी हुई है हेल्थ की, आपके देश के नाम में ही है. प्रॉब्लम यह है कि आप फिरंगियों की तरफ में देख रहे हैं, उन्होंने तो बर्बाद कर दी दुनिया. तो आपके कल्चर में साइंस है, आपका कल्चर ही साइंस. तो ये कैसे करेंगे? जरा एग्जांपल दिया भी होगा, फिर से कर लो, ऐसे उंगलियों को फंसा लीजिए, खींचिए, करके देखेंगे तो पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा. उंगलियों को फंसा लीजिए, जस्ट क्लास्प योर फिंगर्स एंड पुल, खींचिए, खींच के रोक लीजिए. पीछे देखिए आपने क्या किया, सांस रोकी हुई है, हाँ, जरा धक्का दीजिए, पुश, रोके, देखिए सांस रोका हुआ आपने. ये स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करते हैं, आपका शरीर कैसे क्रिएट करता है, सांस रोक के. पहला हो गया स्ट्रेंथ, दूसरा हो गया बैलेंस, एक पांव पे खड़े हो जाए, या फिर दूसरा अच्छा एग्जांपल क्या होगा, खड़े होके अपनी वाइफ या हस्बैंड को बोलें कि आपको धक्का दें, आप कितनी जल्दी बैलेंस में आते हैं, है ना? तो आप बैलेंस में कैसे आते हैं, एक टांग पे खड़े होकर देखिए बैलेंस कैसे करते, सांस रोक के. फिर अगर आप डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, शरीर को इस्तेमाल, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, ऐसा भी कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
शरीर को इस्तेमाल कर रहे, एक लय में, रिदम में इस्तेमाल कर, तो आप देखेंगे अलग अलग अनुपात में सांस रोक के वो कर पाते हैं। तीनों में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सांस को रोकने की प्रक्रिया को इस्तेमाल कर। यानी अगर आपको रिकवरी स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करना है तो क्या स्ट्रांग करना होगा, इसी को कुंभक कहते हैं। आपको, आपका कुंभक वीक हो गया तो रिकवरी स्ट्रेंथ वीक हो गया, तो कुंभक स्ट्रांग करेंगे, स्ट्रेंथ बैलेंस और रिदम बढ़ेगा, इसी को वात पित्त कफ भी कहा जाता है। आयुर्वेद इसको कैसे देखता है, वात पित्त कफ। तो ये तीन चीजें आप ठीक कर दिए, यही आपका रिकवरी स्ट्रेंथ है, बीमारी से निकालने की ताकत है। ये अगर बढ़ाएंगे तो आप किसी भी बीमारी से निकल, किसी भी बीमारी से निकल जाए। दवाई खाएंगे तो एक की जगह दो, दो की जगह चार, चार की जगह आठ, आठ की जगह 16 बीमारियां आती जाएंगी, क्योंकि दवाई खाना जीवन के विरुद्ध है, विपरीत है। ये तो जो आप बता रहे हैं वो सिर्फ ब्रीदिंग के साथ ही करना पड़ता है, ये जो आप कुंभ बता रहे हैं जो, हाँ, अब ये अच्छा सवाल है, क्या ये ब्रीदिंग के साथ ही होता है? ये सारी ट्रीटमेंट है ओनली ओनली ब्रीदिंग के साथ? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं आ रहे ब्रेथ होल्ड एक चीज बताया जिसको आप, जिसको कुंभक कहते हैं, मगर कुंभक केवल ब्रेथ होल्ड नहीं। अब एक एक्सपेरिमेंट करो, बहुत तेजी से सांस लेंगे छोड़ेंगे, बहुत तेजी से अगर सांस लेंगे छोड़ेंगे ना, तो आप अपने शरीर में कहीं पकड़ से हैं, कोई पकड़ बनाते हैं इसको तेजी से करने के लिए। जो लोग ये पकड़ नहीं बना पाते वो बहुत रैपिड ब्रीदिंग नहीं कर पाए, ठीक है ना? तो रैपिड ब्रीदिंग करने के लिए भी आपको कुंभक करना पड़ता है, इट इज जस्ट नॉट ब्रेथ होल्ड। ब्रेथ के टर्म से मैं आपको समझा रहा हूं। और आगे चलते हैं, मालूम है आजकल डिमेंशिया बहुत हो रहा है, याददाश्त बड़ी खराब हो जाती है, लोगों को बीमारी होती है, याददाश्त कम हो जाती है, ठीक से याद नहीं कर पाता, इंटेलिजेंस लेवल भी कम हो जाता है। तो याददाश्त को भी होल्ड करना होता है, वो भी होल्डिंग फैक्टर है। तो कुंभक कमजोर होगा तो याददाश्त भी कमजोर होगी। तीसरी चीज हम कहते हैं मनस, अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें मन को तो इट बिकम्स द सॉफ्टवेयर ऑफ द बॉडी, शरीर का सॉफ्टवेयर, ठीक है? इसका बड़ा एक अम्ब्रेला जिसको हम कहते हैं, कर्म, कर्म को हमने फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। ये कर्म आपका शरीर होल्ड करता है ना, रोकता है ना, तभी तो काम होता है, कहीं तो रोका होगा उसने, तो वो रोकने के लिए क्या किया, कुंभक। तो कुंभक बहुत बड़ा आयाम है। सांसों के टर्म्स में क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि आपको एविडेंशियली कुछ समझ में आएगा। अगर मैं कार्मिक टर्म्स में समझाऊं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आप कहेंगे ये क्या बात हुई, हवा में बात हुई। तो आप अगर बॉडी को मूव करते हैं तो भी आप ब्रेथ होल्ड करते हैं, मालूम है आपको? अगर आप पीछे की तरफ मूव करेंगे तो सांस लेके रोकना पड़ता है आपको, ट्राई करके देखिए, है ना? सीधे खड़े होके कमर से पीछे की तरफ बेंड करके देखिए, है ना, आगे की तरफ बेंड करके देखिए, सांस छोड़ के रोकना पड़ता है। यही मैं बता रहा हूं कि आपको शरीर से भी एक्टिविटी करनी है तो भी सांस को रोकना, ये एविडेंट है, बहुत एविडेंट है, मगर इसमें आपका माइंड भी बदलता है, वो बहुत एविडेंट नहीं है, इसलिए मैं माइंड के टर्म्स में बात नहीं कर रहा, है ना? क्योंकि माइंड, मैं बोलूंगा आप माइंड को रोक दो तो आप नहीं रोक पाएंगे, तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ ना, हम मेथड नहीं बना सकते उसका, है कि नहीं? मैं बोलूंगा आप कर्म को तोड़ दीजिए, बीमारी खत्म, तो आप कर्म कैसे तोड़ेंगे? तो प्रैक्टिकल तरीका क्या हुआ, हम कुंभक के जरिए कर्म को तोड़ सकते हैं। या और सिंपलिस्टिक एग्जांपल दूं, अगर आपको लिवर की तरफ में इंप्रूव करना है लिवर को, तो आप क्या करें, एक यूनिट मानते हैं 5 सेकेंड, ठीक है? तो एक यूनिट इनहेलेशन, एक यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सहेलेशन करेंगे तो लिवर की तरफ में वो कुंभक चला जाता है और लिवर स्ट्रांग होने लग जाता है। किडनी की तरफ करना है तो 4 यूनिट का इनहेलेशन, 2 यूनिट का होल्ड, 1 यूनिट का एक्सहेलेशन करेंगे तो किडनी की तरफ रिवाइवल जाएगा। अच्छा, आप प्रैक्टिस करना शुरू करें तो आप क्या रिवाइव करना है, देखिए सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, प्राण शक्ति डायग्नोसिस, यानी कि पता करते हैं कौन सा पक्ष आपके शरीर में सबसे ज्यादा कमजोर है, उससे बीमारियां शुरू हुई।
तो आपको मेथड सिखाते हैं, फिर उसको कस्टमाइज कर देते हैं आपके हिसाब से, आपका कमजोर पक्ष पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फिर बाकी सारे पक्ष को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये तरीका है थेरेपी का। और इसमें क्या होता है, कुंभक का इस्तेमाल होता है। तो क्या केवल सांस को रोकने का इस्तेमाल तो नहीं, हम बॉडी मूवमेंट्स देते हैं ब्रेथ के साथ में, ठीक है। तीन चीजें आप सीखेंगे, क्या सीखेंगे, अंग न्यास, मर्म विन्यास या हठ विन्यास, तीसरा है कुंभक थेरेपी। तीन चीजें सीखेंगे आप। पहला है अंग न्यास, यानी बॉडी में जिस तरीके से चीजें फ्लो होती है उसको आप बैकग्राउंड थोड़ा सा अपना म्यूट कर लें, क्योंकि फिर बाकी नहीं सुन पाएंगे। तो अगर आपके शरीर के कुछ ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स जो एक तरीके से फ्लो होते हैं, उनको वो फ्लो करवाया जाता है सांसों को इस्तेमाल करके। उसमें हार्ट का मूवमेंट भी होता है, बॉडी के ऊपर आप मूवमेंट भी करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, हठ विन्यास, उसमें बॉडी पूरा मूव होता है सांस को लेके, सांस को रोकना भी होता है उसके अंदर, तो उससे एक जगह पे असर जाता है। तीसरा क्या है, कुंभक थेरेपी, जहां पे हम अलग अलग रेशियो में ब्रेथ होल्ड करते हैं अलग अलग आयामों को एड्रेस करने के लिए। तो प्रैक्टिकल चीज हुआ ब्रेथ होल्ड, जिससे कि हम ऑर्गन को रिवाइव कर सकते हैं, है ना। इसमें बॉडी मूवमेंट भी है, हम साउंड से भी कुंभक कर सकते हैं। यहां पे हम साउंड से नहीं करते, मगर दूसरे प्रोग्राम में हम साउंड से करते हैं, हम फोकस से भी कुंभक कर सकते हैं, है ना। इसके लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स में हम अलग अलग चीजों के साथ में कुंभक करते हैं। बट कुंभक एक बहुत बड़ा आयाम है, जिसमें के एक पक्ष जो है वो सांस को रोकना भी है, ठीक है ना। वो एक ही पक्ष है, और भी बहुत सारे तरीके से कुंभक किया जाता है, वो इस प्रोग्राम में है, जो जरूरी है वो इस प्रोग्राम में है।